फ्रेंड डब्ल्यू क्वेन में वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। किस तरह आपने वॉलेट कनेक्ट करना है, किस तरह आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड बता दूं, डब्ल्यू क्वेन कमाल का प्रोजेक्ट है और इसकी कई पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ओवरव्यू की जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने देख लेनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप ओवरव्यू वाली वीडियो देखेंगे तो आपको तमाम इसकी समझ आ जाएगी। और इसमें जब भी न्यू अपडेट आई हैं, यहाँ पर स्टेकिंग के रिलेटेड भी कुछ न्यू अपडेट आई हैं, तो यहाँ पर स्टेक पर आप क्लिक करके जहाँ से भी ये देख सकते हैं, अगर आपने स्टेक करना है तो ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। इसी तरह यहाँ पर फ्रेंड वॉलेट का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। जैसे ही आप वॉलेट पे क्लिक कर दें तो यहां पे इसका पूरा रोड मैप आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पे ये चीज देख लें, गेम लॉन्चेड ये ऑलरेडी हो गया है, ग्रोइंग कम्युनिटी, कम्युनिटीज की ग्रो हो रही है और आने वाले टाइम में जो जो चीज होनी है वो ब्लॉकचेन इसकी आनी है, डब्ल्यू क्वेन ड्रॉप आना है, एक्सचेंज पर लिस्टिंग आनी है और मिनी एप भी इनकी आनी है। तो ये आने वाले टाइम में ये चीजें आएंगी। इसी के साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो ये आपका बैलेंस का ऑप्शन है और ये इंडिकेटर भी यहां पर आपको दे रहा है कि ये टोन की ब्लॉकचेन पे, अगर टोन की ब्लॉकचेन पे है तो हम इसमें जो वॉलेट कनेक्ट करेंगे वो हमारे लिए कौन सा सूटेबल है वो भी करके बता देता हूं। तो नीचे आपको फ्रेंड यहां पे अकाउंट कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहां पे आपका वॉलेट जो भी आप कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो जैसे ही आपका वॉलेट कन्फर्म होगा तो आप ये समझ लें कि आपका जो अकाउंट है वो भी वेरीफाइड कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्योंकि टोन की ब्लॉकचेन पे है तो इसके लिए हम टोन कीपर वॉलेट करते हैं तो वो हमारे लिए सूटेबल है। तो यहां पर आपने कनेक्ट वॉलेट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाकी भी मुख्तलिफ वॉलेट आ रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे टोन कीपर वॉलेट अच्छा लगता है, इसमें फ़ी वगैरह थोड़ा कम होती है। तो यहाँ पे इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये आपको अपने माई टोन कीपर वॉलेट में ले आ जाए और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका कनेक्शन हो रहा है। इसी के साथ साथ नीचे आपने कनेक्ट वॉलेट पर कर देना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक कर दें तो आपने अपना पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ अगेन इसमें मैं ओपन करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे देखें आपका जो वेरीफाई अकाउंट वेरीफाइड भी हो जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखें तो ये हमारा वॉलेट भी इसके साथ लिंक हो चुका है। अगर इसको मैं डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो डिस्कनेक्ट करके कोई और वॉलेट अगर मैं करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन था। इसी के साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड बाकी जो चीज़ें हैं, अगर टास्क पर आप क्लिक कर दें तो ये डेली बेस पर कुछ टास्क वगैरह होते हैं, ये टास्क भी आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे टोकन मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेट का जो ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका बेसिकली लेवल होता है, जिस तरह ये मेरा लेवल है। और यहाँ पे देखें जैसे जैसे आपके रेफरल इंक्रीज होते जाते हैं तो उस तरह फिर आपको रिवार्ड भी इंक्रीज हो रहता है। तो यहाँ पे क्लेम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आपका रिवार्ड यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो आपके मेन बैलेंस में वहाँ पर एड हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर भी आपने फ्रेंड आपने क्लिक करते रहना है ताकि आपको अपने फ्रेंड का जो बैलेंस है वो आपके मेन बैलेंस में एड होता रहे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड बूस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और जैसे ही बूस्ट पे क्लिक करते हैं तो जिस तरह बाकी हमारे पास प्रोजेक्ट हैं सेम उसी तरह का प्रोसीजर होता है। यहाँ पे लकी डाइस हो गया और फुल बैटरी वगैरह एनर्जी वगैरह का जो ऑप्शन है और यहाँ से आप अपनी माइनिंग और टाइपिंग जो स्पीड है एनर्जी उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ऑल्टो बोट है वो ऑलरेडी मेरा आना है, उस पर ऑलरेडी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। ये जस्ट वीडियो थी कि आपने वॉलेट किस तरह कनेक्ट करना था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।